नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? मजे में हो ना? विद्यार्थी मित्रों, मैं श्वेता मिस राठौड़ महदी पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम वापस इकट्ठे हुए हैं कुछ नया सीखने के लिए, तो क्या आप सब तैयार हो ना? बच्चों, इस वक्त हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। आप सब सारे विषय के वीडियो देखते होंगे, सारे विषय का गृह कार्य भी करते होंगे, करते हो ना? और आप सब घर पे रह के स्वस्थ और सुरक्षित रहो, ऐसी में प्रार्थना करती हूँ। तो बच्चों, आज हम जो भी सीखेंगे वो लिखना है, पढ़ना है और साथ में समझना भी है। तो चलो जल्दी से आप लोग अपनी किताब, नोटबुक और कंपास बॉक्स ले लो। उसमें सबसे पहले आज की दिनांक लिख दो। दिनांक मतलब आज की तारीख लिख दो। उसके बाद आज का वार लिख दो। फिर हमारे विषय का नाम हिंदी और हमारी कक्षा यानी कि स्टैंडर्ड लिखना है, तो अच्छे अक्षरों से जल्दी जल्दी लिख दो। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो कुछ भी सीखेंगे उसकी सूचना यहाँ पे लिखी है। जो मैं पढ़ रही हूँ आपको ध्यान से सुनना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। तो सबसे पहले आप सब लोग सुन लो। यहाँ पे मैंने लिखा है, चित्र में दिखाए गए जानवरों, पक्षियों एवं वस्तुओं के नाम लिखिए। मैं वापस दोहरा रही हूँ, चित्र में दिखाई गए जानवरों यानी कि अभी मैं आप लोगों को एक चित्र दिखाऊंगी, उसमें कई सारे चित्र है। एक चित्र होगा उसके अंदर बहुत सारे चित्र है, जिनमें से कई चित्र जानवरों के हैं, पक्षियों के हैं और कई सारी वस्तुओं के हैं। तो हमें इस चित्र में से वो सारे चित्र को ढूंढना है और उसके नाम लिखने हैं। तो चलो सबसे पहले ये सूचना लिख दो, फिर हम हमारा टास्क शुरू करेंगे। तो जल्दी से देखकर ये सूचना अपनी नोटबुक में लिख दो। मैं वापस पढ़ रही हूं, आप लोगों को अच्छे अक्षरों से लिखना है। चित्र में दिखाए गए जानवरों, फिर यहाँ पे अल्प विराम करना है जिसे हम कोमा बोलते हैं, उसके बाद पक्षियों, क्ष को ह्रस्व करना है और यहाँ पे ऊपर बिंदी लगानी है, पक्षियों, फिर वापस अल्प विराम एवं व के ऊपर बिंदी लगानी है, एवं वस्तुओं के नाम लिखिए। जैसे ही वाक्य पूरा होता है हमें पूर्ण विराम करना है यानी कि फुल स्टॉप, और आप सब जानते हो कि पूर्ण विराम में ये सीधी रेखा करनी है। चलो लिख लिया आप लोगों ने।
यहाँ पे जानवर मतलब एनिमल, पक्षियों मतलब बर्ड्स और वस्तुओं मतलब सम थिंग्स। तो चलो अभी आप सब ने ये सूचना लिख ली होगी, हो गया? तो अभी आपके सामने एक चित्र आएगा, उसे आप लोगों को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना है। चलो मैं आप लोगों को एक मिनट दे रही हूँ, इस चित्र में आप लोगों को क्या क्या दिखाई देता है वो देखना है और याद भी रखना है। देख रहे हो ना सब लोग? जो भी देख रहे हो वो याद भी रखना है। देख लिया? चलो अभी हम सब साथ में इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक चित्र है जिनमें कई सारे जानवर हैं, कई पक्षियाँ हैं और कोई कोई चीज़ें हैं। सब लोगों ने अच्छे से देखा है? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो सब कुछ हरा हरा दिख रहा है वो क्या है? तो वो घास है और ऊपर नीला नीला आकाश है, यानी कि ऊपर आकाश और नीचे जमीन और उसमें घास निकल आया है। और यहाँ पर बहुत सारे एनिमल और बर्ड्स है, यानी कि जानवर है और पक्षी है। तो हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे इसमें से? तो सबसे पहले हम जानवर देखेंगे। तो चलो आप सब तैयार हो ना? जहाँ पर आपने दिनांक, वार और विषय का नाम लिखा है उसके नीचे आपने सूचना लिखी है और सूचना के नीचे अभी आपको लिखना है ये जानवर। तो चलो जल्दी से देख कर लिख लो जानवर, क्योंकि हमें सबसे पहले इस चित्र में से जानवर को ढूंढना है। चलो जानवर लिख लिया आप लोगों ने। कैसे लिखना है? तो ज, ज के बाजू में सीधी रेखा, जा, न, व, र, जानवर। फिर वो चित्र मैंने वापस यहाँ पे रखा है क्योंकि हम यहाँ से चित्र में से ढूंढते जाएंगे और उसके नेम भी तो लिखना है, उन सभी जानवर के नाम भी लिखने हैं। तो आप सब ने ये लिख लिया होगा जानवर। और यहाँ जैसे ही हम ढूंढते जाए यहाँ पर उसके नाम लिखने हैं। तो चलो सबसे पहले आप लोगों को कौन सा जानवर दिखाई दे रहा है? तो सबसे पहले ये है जो जानवर है, आप सब जानते हो ना, जिनको चार पैर होते हैं, जिनको पूंछ होती है, वो जानवर कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये कौन है,
कौन सा जानवर है ये? तो ये है शेर, राइट? ये है शेर जो जंगल का राजा है। जंगल में रहने वाले बाकी सारे जानवर शेर के पास आने से डरते हैं, क्योंकि वो शिकारी जानवर है, शिकार करते हैं वो, सभी जानवर को वो खा जाते हैं। वो बहुत जोरों से गर्जना करते हैं और बहुत ही तेजी से दौड़ते भी हैं। उसके मुंह के आसपास बहुत सारे बाल भी होते हैं। तो ये कौन सा जानवर है? शेर। शेर जानवर में ही आएगा, क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल है, यानी कि जंगली जानवर है। उसे चार पैर है और एक पूंछ भी है। तो चलो, इस पूरे चित्र में से हमने पहले जानवर को ढूंढ लिया है। तो यहाँ पे एक नंबर मैंने किया है, तो आपको भी ये जानवर लिखा है उसके नीचे एक नंबर करना है और हिंदी में लिखना है जैसे मैंने लिखा है। एक नंबर करके ही आप लोगों को वहां पे लिखना है शेर। तो अभी शेर कैसे लिखते हैं? तो ये मैंने लिखा है, आप लोगों को देख के लिखना है। श करना है, श के ऊपर एक मात्र शे और र, शेर। चलो लिख दो आप लोग। शेर का रंग क्या है? तो वो केसरी रंग में दिखाई देता है। कैसे रंग में? केसरी रंग में। लिख लिया आप लोगों ने? उसके बाद चलो, अभी इस चित्र में से दूसरे जानवर को ढूंढना है हमें। ढूंढा आप लोगों ने? यहां शेर को तो हमने ढूंढ लिया है। फिर उसके आजू बाजू देखो, और कोई जानवर दिखाई दे रहा है? तो ये है, क्योंकि इसे भी चार पैर है और इसे भी पूंछ है। तो ये कौन सा जानवर है? देखो तो आप अच्छी तरह से। तो ये है गधा, राइट? जिसे इंग्लिश में हम डोंकी कहते हैं और गुजराती में गधेड़ो, और उसे हिंदी में कहते हैं गधा। तो चलो, एक के नीचे लिखो नंबर दो और वहां पे लिखना है गधे का नाम। चलो, मैंने लिख दिया है, आप लोगों को देखकर लिखना है। और कैसे लिखना है? तो सबसे पहले ग, उसके बाजू में ध, ध से धजा, और उसके बाजू में सीधी रेखा धा। और ये जो लाइन है वो पूरे अक्षर में नहीं आएगी, पर सिर्फ यहाँ पे आएगी, क्योंकि ध अक्षर में सिर्फ यहाँ पर ही लाइन आती है। तो चलो, दूसरे नंबर पे लिख दो गधा। तो हमने यहाँ पर दो जानवर को ढूंढ लिया है। तो अभी तीसरे जानवर की बारी है। तो तीसरा जानवर कौन है?
अभी सिर के इस तरफ देखो, तो यहाँ पर भी चार पैर है, 1, 2, 3, 4। और ये कौन सा जानवर है, इसका नाम क्या है, जिसकी डोक बहुत ही लंबी है, यानी कि गर्दन, जिसकी गर्दन बहुत ही लंबी है वो कौन है, उसका नाम क्या है। तो इसका नाम है जिराफ। कौन सा जानवर आया, जिराफ। तो चलो, मैंने नंबर 3 करके जिराफ का नाम लिख दिया है। तो चलो, आप लोग भी जल्दी से लिख दो। सबसे पहले नंबर 3 करना है और उस पे लिखना है जिराफ। तीसरे एनिमल का नाम क्या है, जिराफ, और वो कैसे लिखना है, ज को रस्व, जी, फिर र, र के बाजू में सीधी रेखा रा, और फल का फ, जीराफ। चलो, अच्छे अक्षरों से ये नाम भी लिख दो। लिख लिया आप लोगों ने? चलो, हमने 3 जानवर को ढूंढ लिया है। सबसे पहले हमने शेर को ढूंढा है, फिर गधे को, फिर जिराफ को, और अभी चौथा जानवर, तो वो कौन है, जल्दी जल्दी ढूंढो। तो शेर के पीछे की ओर एक छोटा सा जानवर है, देखो उसके 4 पैर दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये कौन है, पता है आप लोगों को ये कौन सा जानवर है? तो ये है कुत्ता, यानी कि डोगी, डॉग है। तो चलो, 3 के नीचे नंबर 4 लिख दो और वहां पे लिखो कुत्ता। तो चलो, वहां भी हम टिक कर लेते हैं। कैसे लिखना है, तो सबसे पहले क, क को रस्व कु करना है, फिर त, त के बाजू में सीधी रेखा और त के ऊपर ऐसे लाइन करनी है, तो हो गया कुत्ता। चौथा जानवर भी हमें मिल चुका है, तो चलो वहां पर लिख दो नंबर 4 करके कुत्ता। अभी सिर्फ 1 जानवर बाकी है, तो चलो वो भी जल्दी जल्दी से ढूंढो। लिख लिया आप लोगों ने? उसके बाद अभी 5वां जानवर, तो और कहाँ दिख रहा है, तो कुत्ते के सामने एक और जानवर है, ये भी नहीं, तो ये वाला, देखो उसकी पूंछ दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ पे उसके पैर है, यहाँ पर भी उसके पैर है, तो ये भी एक जानवर है। तो चलो बताओ,
इसका नाम क्या है? सोचो सोचो। तो उस जानवर का नाम है कंगारू। क्या नाम है? कंगारू। और वो कैसे लिखना है? तो आपके सामने है, तो चलो जल्दी से नंबर 5 लिख दो। और वहां पे लिखना है क, क के ऊपर बिंदी लगानी है, फिर ग, ग के बाजू में सीधी रेखा गा, और र को ह्रस्व रू करना है, तो हो गया रू। कंगारू, जिसे गुजराती में हम कांगारू कहते हैं और हिंदी में कंगारू। तो बच्चों, हमने 5 जानवर के नाम इस चित्र में से ढूंढ लिए हैं। चलो अभी देख लो, इसके अलावा और कोई जानवर बचे हैं जो हमने देखे ना हो और लिखे ना हो? तो और कोई जानवर नहीं है, जो थे वो हमने ढूंढ के यहाँ पे लिख दिए हैं। तो चलो अभी भी जिन लोगों को बाकी है वो जल्दी से लिख दो। नंबर 1 पे हमने ढूंढा है शेर को, फिर उसके बाद गधा, उसके बाद जिराफ, उसके बाद चौथे नंबर पे है कुत्ता, और 5वें नंबर पे हमने ढूंढा है कंगारू को। ये कंगारू ऐसे जानवर है जो बहुत ही कम दिखाई देते हैं। वैसे बाकी सारे जानवर को आपने देखा ही है। हमारे घर के आजू बाजू ये कुत्ता है जो रोज निकलता है, तो हम उसे देखते हैं, कई बार गधे को भी देखते हैं, पर ये जिराफ, शेर, कंगारू वो जंगल में रहते हैं, वो हमारे घर के आजू बाजू नहीं है, क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल है, तो हम इसे सिर्फ ऐसे चित्र में देख सकते हैं। तो चलो, इसमें आप लोगों को मजा आया? तो जानवर के नाम तो हमने ढूंढ लिए हैं, अभी उसके बाद हमें और कौन से नाम ढूंढने हैं? तो वो है पक्षियों के नाम। तो चलो, उसके बाद वापस ये वाला लिख दो, पक्षी। जैसे ही आपने जानवर लिखा था, उसी तरह यहाँ पे लिखना है पक्षी। तो पक्षी ढूंढने के लिए वापस यहाँ पे मैं चित्र ला रही हूँ, और इनमें से अभी हमें पक्षियों को ढूंढना है। जैसे ही ढूंढते जाए, हमें यहाँ पर लिखते भी जाना है। तो चलो, सबसे पहले ढूंढो कौन सा पक्षी आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पे 2 पैर है, और सफेद रंग में कौन सा पक्षी है? तो बच्चों, ये है बतख। कौन सा पक्षी है? बतख। सभी पक्षियों को 2 पैर होते हैं, 2 आंखें होती है, चोंच होती है और पंख होते हैं, तो वो पक्षी कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी इस बतख को 2 पैर है, आंखें है, चोंच है और पंख है, तो ये पक्षी है। तो चलो, पक्षी के नीचे आप लोगों को 1 नंबर ऐसे लिखना है, और उसमें लिख दो बतख। चलो, जानवर हमने ढूंढ लिए हैं, तो अभी आसानी हो जाएगी, पक्षी हमें जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। तो नंबर 1 में लिख दो बतख। बिल्कुल सादा शब्द है, इसमें ह्रस्व दीर्घ मात्राएं कुछ नहीं करनी है। ब त ख।
लिख लिया आप लोगों ने? तो चलो यहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ, क्योंकि हमने बतख को ढूंढ लिया है। उसके बाद और कौन सा पक्षी दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हरे रंग में क्या दिखता है? आप सब जानते हो कि हरे रंग का कौन सा पक्षी होता है? तो वो है तोता। क्या है? तोता। तोते को इंग्लिश में बोलते हैं पैरट और गुजराती में पोपट और हिंदी में तोता। तो चलो एक के नीचे नंबर दो लिखो इस तरह से, और वहाँ पे लिख दो तोता। और तोता कैसे लिखना है? तो त, त के बाजू में सीधी रेखा ता, ऊपर एक मात्र तो, फिर वापस त, त के बाजू में सीधी रेखा ता, तोता। लिख लिया आप लोगों ने? चलो उसके बाद तो तोते के आगे क्या दिखाई दे रहा है, जिसके दो पांव हैं? तो ये है कौवा, जिसका रंग काला है। जैसे तोते का रंग हरा है, उसकी चोंच लाल रंग की है, उसी तरह ये काले रंग में कौन है? काले रंग में दो पक्षी होते हैं, कोयल और कौवा। तो ये कौन सा पक्षी है? तो ये है कौवा, क्योंकि कौवे की चोंच बड़ी होती है। तो नंबर तीन करके लिख दो कौवा। और कौवा कैसे लिखना है? तो क, क के बाजू में सीधी रेखा, ऊपर दो मात्राएं, हो गया कौ आ। अ, अ के बाजू में सीधी रेखा आ, कौवा। लिख लिया आप लोगों ने? तो यहां पर भी हम टिक कर लेते हैं। चलो अभी बतख, तोता, कौवा, और यहाँ पीछे सबसे पीछे कौन सा पक्षी है जो छोटा है, दो पैर है, छोटी सी चोंच है, तो इसका नाम क्या है? जैसे पक्षियाँ छोटे छोटे होती है, पर इनसे सबसे छोटा पक्षी है, तो इसका नाम क्या है? जो नंबर चौथे पे आ चुका है, नंबर चार करो और उसके सामने उसका नाम लिख दो। चलो पढ़ो ये क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है च, च को रस्वची, ड, ड के नीचे बिंदी लगानी है और ड को रस्व डी, य, य के बाजू में सीधी रेखा या, चीड़िया, चिड़िया यानी कि स्पैरो, और गुजराती में हम कहते हैं चकली, और इसे हिंदी में कहते हैं चिड़िया। तो चलो लिख दो। फिर अभी आखिरी पक्षी बाकी है, तो वो तो अच्छे से हमें दिख रहा है और सबको पता भी होगा। तो चलो अब कौन बाकी है? ये कौन है? वेरी गुड, आप सबको इसका नाम आता है, तो ये है मोर। तो चलो नंबर पांच पे लिखो मोर। मोर को गुजराती में भी मोर कहा जाता है, हिंदी में भी मोर कहते हैं, और इंग्लिश में पिकॉक कहते हैं। तो लिखो म, म के बाजू में सीधी रेखा मा,
ऊपर एक मात्र मो और र, मोर। तो बच्चों आज हमने इस चित्र में से जानवर के नाम ढूंढे और पक्षियों के नाम ढूंढे हैं, पांच जानवर और पांच पक्षी। अभी कोई वस्तु है जो हमें ढूंढने की बाकी है, तो वो हम आगे के तास में करेंगे। तब तक आज का होमवर्क देख लेते हैं, यानी कि आज का गृह कार्य। आज का गृह कार्य है चित्र में दिखाए गए जानवरों, पक्षियों एवं वस्तुओं पर। वस्तुओं बाकी है तो सिर्फ हम जानवर और पक्षियों के नाम लिखेंगे। जैसे ही मैंने लिखा है उसी तरह आपको लिखना है, 5 times in fair book, 5 times in rough book। एक बार आप लोगों ने मेरे साथ लिख लिया है तो अभी 4 बार फेयर बुक में और 5 बार रफ बुक में लिखना है। तो चलो अच्छे से और अच्छे अक्षरों से गृह कार्य कर लेना है। अब हम वापस मिलेंगे नए तास में, वापस कुछ नया सीखने के लिए। मुझे लगता है आप सबको आज के तास में मजा आया होगा, तो इसलिए आप सबको धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। तो चलो अब हम वापस मिलेंगे, तब तक आप सबको गुड बाय। गुड बाय एवरीवन।